आज यूं ही अपनी अलमारी को खंगालते हुए, कुछ पुराने कपड़ों को बाहर निकालते हुए, अपनी किताबों को सलीके से रखते हुए एक पुराना एनवलप मिला और उस एनवलप में तुम्हारा भेजा हुआ खत था। वो खत जिसमें तुमने अपनी उम्मीदों को, अपनी इच्छाओं को, अपने इश्क को, अपने जज्बातों को अल्फाजों में बदल कर हर्फ दर हर्फ लिखा था, वो खत जिसका मैंने ताउम्र इंतज़ार किया आज मिला। आज भी उसमें से वो भीनी सी खुशबू आती है तुम्हारे इश्क की, या शायद मेरा वहम है, मुझे पता नहीं। वो खत आज भी वैसा ही है जैसा तुमने भेजा था, और जो तुमने लिखा था वो मिटा नहीं है, बस थोड़ा हल्का हो गया है। पहले सोचा कि जो अब तुम मेरी नहीं हो तो उस खत को फेंक देता हूँ, फिर लगा कि रख लेना चाहिए। सच कहूँ तो मेरा दिल नहीं करता मुझे इसे मुझसे दूर करने का। क्या मैंने तुम्हें बताया कि वो खत जो तुमने भेजा था वो मेरी ज़िंदगी का पहला खत था और शायद आखिरी भी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद बहुत से लोग मिले हैं मुझे और कुछ नए रिश्ते भी बने, पर तुम जैसा कोई ना मिला और ना कभी किसी ने कोई खत दिया। तुम चली तो गई मुझे छोड़कर, मगर ना जाने क्यों मैं तुम्हें कभी ना छोड़ सका, या शायद मैं छोड़ना ही नहीं चाहता था, शायद इस उम्मीद में कि तुम एक दिन वापस आओगी, शायद इसीलिए इंतज़ार करता रहा, या फिर ये सोचता रहा कि जो खत तुमने अपनी इच्छाओं को अपने को शब्दों के रूप में ढाल कर इश्क की स्याही से उस कागज़ पर उतारा था, वो खत आज भी मेरे पास महफूज है। तुम नहीं हो तो क्या हुआ, तुम नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हारा इश्क तो है मेरे पास, वो काफ़ी है। और शायद मुझे आज भी उम्मीद है कि तुम वापस आओगी और मुझे गले लगा के मेरे सीने में इन दर्द की बीड़ियों से मुझे आज़ाद करोगी, और तब मैं तुम्हें ये खत दिखा पाऊंगा जिसमें से आज भी तुम्हारे इश्क की वो भी नीची खुशबू आती है।